प्रदेश सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में विकास के नए आयाम स्थापित कर सूबे को नई पहचान दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति आई है। शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं उपलब्ध करवाना अब सरकार की प्राथमिकता है। यह बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग हल्के की इलाका धुंधा की ग्राम पंचायत बड़ीधार में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बुधवार को द्रंग हल्के की इलाका धुंधा की ग्राम पंचायत बड़ीधार में विकास कार्यों की समीक्षा करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पार्टी की घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज का रूप देकर चरणबद्ध ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना राजनीति ध्येय है। अन्य विधानसभा क्षेत्रों की तुलना में आज द्रंग श्रेष्ठ क्षेत्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपरांत सड़क निर्माण को तरजीह दी गई है। पहले तो मैं एक एक गांव में कई बार गया हूँ और मैं सच बोलूँ तो मैं हर गांव और अब प्रोत बनी गिरा, जहाँ मैंने लगभग 9 प्राइमरी स्कूल हर गांव में प्राइमरी स्कूल दिया है। और आपकी एक पंचायत है जहाँ आपका जवा है उसको मिडिल स्कूल बनाया, बावली आपका उसको मिडिल स्कूल बनाया। अब आपको जानकर खुशी होगी कि बावली को जो है अब हाई स्कूल का भी दर्जा जो है हमने दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बड़ीधार पंचायत के भटवाड़ी गांव को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 1,00,000 रुपए की राशि मंजूर पहले ही कर दी गई है और 1,00,000 और देने की घोषणा की। के चैनल के लिए पद्धर से कृष्ण भोज की रिपोर्ट।